हेलो स्टूडेंट्स दिस इज स्वाति वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सेकंड चैप्टर ऑफ आर इंग्लिश चैनल लिटरेचर रीडर व्हिच इज क्लास सेवें क्लास सेवन की जो इंग्लिश चैनल बुक है उसका थर्ड पार्ट है सो दिस इज वाई फॉर द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक बिकॉज इसकी जो स्टोरीज हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है नाउ दिस स्टोरी इज How much land does a man need? Now, you have to tell the title. How much land does a man need? What are we going to talk about? So, in this chapter, you literally are going to earn and learn a very interesting moral. So, please be with me. ना हु हैज रिटर्न दिस अमेजिंग स्टोरी इट इज बाउंट लियो टोल्स टोय हम जो पढ़ने जा रहे हैं ये इसका अब्रिजड वर्जन है अब्रिजड वर्जन का मतलब होता है कि जो मेन स्टोरी है स्टोरी पूरी की पूरी सेम है लेकिन मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स जो हैं मतलब जो रेलिवेंट नहीं होते या इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते उनको हटा देते हैं और स्टोरी को शॉर्ट कर देते हैं सो इट्स नॉट अ समरी बट इट्स दिस इज नोन एज एन अब्रिज वर्जन सो लेट्स बिगिन विद द स्टोरी बट बिफोर दैट वी हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड अबाउट आर ऑथर

His career as a writer began when he poured all his energies into writing his journal. तो उनका जो career था as a writer वो कब शुरू हुआ जब अपनी पूरी उन्होंने ताकत लगा दी अपना journal लिखने में and then he actually emerged as a brilliant writer. Now let's start with the story. Pahom was an ambitious peasant. अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जो हमारी जो स्टोरी है इट रिवॉल्व्स अराउंड अ मैन हुज नेम इज़ पाहोम जो कि एक एम्बिशियस प्रजेंट है एम्बिशियस का मतलब होता है जिसकी बहुत ज़्यादा डिजायर्स होती है जो लाइफ में बहुत कुछ पाना चाहता है और प्रजेंट का मतलब होता है जो कि लैंड अ स्मॉल होल्डर ऑफ एग्रीकल्चर लेबर और लोस लाइक स्टेटस मतलब यहाँ हम बात करें एक ऐसा आदमी जिसके पास थोड़ा बहुत लैंड होता है जो लैंड में डील करता है He owned several plots of land but was always looking for more and more land to buy. उसके पास बहुत सारा land था, बहुत सारी ज़मीन थी but he always was in hunt of more and more land. उसको बहुत सारा land चाहिए था. Now of course this is an abridged version. तो इसमें क्या होता है? आपको ये story पूरी बताने के बाद I'm going to give you some extra information about the story. कि actually यहाँ पे इसमें जो है surprise element है वो क्या है? लेकिन वो मैं आपको बताऊँगी जब story over हो जाएगी उसके

तो वो वहाँ पहुंचा ट्रैवल करके वो वहाँ पे गया और वहाँ पे जाने के बाद उसने उनसे नेगोशिएट किया नेगोशिएट मतलब क्या होता है भाव किया कि आप मुझे इतने में दे दो या उतने में दे दो और वहाँ पे वो मिला वहाँ पे उन सबके लीडर से जो उसके हिसाब से एक बहुत ही ज्यादा बेवकूफ आदमी था फूल आदमी था द एल्डर टोल्ड पाहोम दैट ही कुड हैव ऑल द लैंड ही वॉन्टेड फॉर अ थाउजेंड रबल्स अ डे

कि मैं एक दिन में मुझे लैंड हजार रुपए हजार मतलब तुम क्या कहना चाहते हो? How many acres would that be? तो उसने बोला कि कितने एकड़ की बात हो रही है यहाँ पे वी डोंट कैलकुलेट कैलकुलेट प्राइजेस योर वे हम आपके हिसाब से प्राइजेस जो है जैसे आप लोग करते हो कि इतने एकड़ की जो जमीन है वो इतने रुपए की मिलेगी हम उस तरीके से कैलकुलेट नहीं करते वी सेल बाय द डे

ये कैसे हो सकता है एक दिन में एक इंसान बहुत ज्यादा चल सकता है उसने बोला हाँ जितना चलोगे वो पूरा तुम्हारा और बशकीर ने जो एल्डर बशकीर था जो उनका वहां पे जो लीडर था उसने उसके तरफ बहुत ही नोइंगली स्माइल किया नोइंगली स्माइल इफ वो उसकी ग्रीड को समझ गया था बट देर वॉज वन कंडीशन इफ पाहोम डिड नॉट रिटर्न टू दन डाउन हिज मनी वुड बी फोरफिटेड मतलब अब अगर आप जो हो आपने स्टार्ट किया तो आपका एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा। जितना लैंड कवर करना है कवर करो लेकिन बाय सन डाउन मतलब सूर्य जब अस्त हो जाता है तब तक बाय द एंड ऑफ द डे यू हैव टू रीच द स्टार्टिंग पॉइंट अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट नहीं हुए तो आपका जो पूरा पैसा है वो एज अ पेनल्टी मतलब आप हजार रोबल्स ऑलरेडी दे चुके हो तो वो आपका वेस्ट हो जाएगा तो आपने हजार रुपए दे भी दिए हज़ार रोबल्स दे भी दिए नॉट रुपए हजार रोबल्स दे भी दिए और आपका पूरा का पूरा पैसा गया तो एज अ पेनल्टी वो आप हम हम आपका ले लेंगे

तो सुबह उठते ही मतलब डॉन का मतलब क्या होता है सूरज की पहली किरण के साथ वो लोग जो थे वो बाहर गए और सारे विलेजर्स के साथ और जो वहां का एल्डर था उनके साथ मतलब जो उनका लीडर था उसने अपनी हैट उठा उठा के वहां पर रख दी टू इट एज द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर प्लेसिंग हिस्स था रूबल्स ऑन टॉप ऑफ इट पाहुम बिकेन वॉकिंग अब पाहम को थाउजेंड रूबल निकाल के उस हैट के ऊपर रखने थे और उसने चलना स्टार्ट किया. और चलते चलते उसने क्या किया वो बीच बीच में गड्ढे खोदते जा रहा था ताकि उसे पता रहे कि exactly उसने यही रूट फॉलो किया था

अगर मैंने थोड़ा बहुत भी मिस कर दिया तो ये तो एकदम बेवकूफी हो जाएगी पाहम हरी आउट द मॉर्निंग गोइंग आउट ऑफ हिस्स वे टू एड मोर लैंड अब पाहोम जो था दिन भर जल्दी जल्दी, जल्दी चलता रहा क्योंकि उसको एक्सट्रीमली लाइक like, उसको जितना हो सके उतना लैंड कवर करना था बट एट नून लेकिन जैसे ही दिन हुआ सूरज जो था वो चढ़ गया मतलब हम बात कर रहे हैं बारह बजे की नून का मतलब क्या होता है ट्वेल्व ए पी एम तो जैसे ही बारह बज गया वेन ही लुकड बैक एट द हिल फ्रॉम वेयर ही हैड स्टार्टेड जब उसने वापस पीछे मुड़ के वो हिल देखा जहाँ से उसने स्टार्ट किया था इट वॉज डिफ़िकल्ट टू सी पीपल स्टैंडिंग देयर अब वो वहाँ पे जो लोग जो खड़े हुए थे उनको देख ही नहीं पा रहा था क्योंकि वो बहुत आगे निकल आया था मे बी आई हैव गॉन टू फार he worried and decided he must begin to make shorter sides to his plot of land. उसने सोचा हो सकता है मैं बहुत ज़्यादा आगे आ गया, गया हूँ अब मुझे जो है कम कम रास्ता जो है अब मुझे shorter sides लेने चाहिए to plot of land. एज द आफ्टरनून वर ऑन अब जैसे जैसे धूप बढ़ती जा रही थी द हीट वॉज एक्सॉस्टिंग अब वो जो गर्मी थी वो धूप थी वो उसे थका दे रही थी बाय नाओ हिज बेरोट व कट एंड ब्रूज एंड हिज लेग्स फेल्ट वीक अब वो थक गया था स्टार्टिंग में तो जोश था वो आगे चला गया लेकिन अब क्या हुआ उसके जो नंगे पैर थे उनमें कट्स लग गए थे उसमें घाव हो गए थे और उसके जो पैर थे वो बहुत ज़्यादा थक गए थे

परेशानी होने लग गई थी अब वो चिंता करने लगा था कि यार मैंने बहुत ज़्यादा लालच कर लिया और इसकी वजह से अब उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी उसको ब्रेथलेसनेस फील हो रही थी वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया था ऑन एंड ऑन ही रैन हिज शर्ट सोक्ड एंड हिज थ्रोट पास्ड अब वो भागता जा रहा था भागता जा रहा था उसकी जो पूरी जो शर्ट थी वो पसीने में भीग चुकी थी और उसका गला पाश्ड मतलब ही वॉज एक्सट्रीमली थर्स्टी उसका गला सूख गया था His lungs were working like a blacksmith's bellows. His heart beat like a hammer. उसके जो lungs थे वो कैसे काम कर रहे थे एक blacksmith स्मिथ ब्लैक स्मिथ मतलब जो कुल्हा होता है कुल, आ, उसके बेलोज मतलब एयर बैग दैट ड्रॉज एंड एमिट्स अ स्ट्रीम ऑफ एयर मतलब जो ब्लैक स्मिथ जब मारता है तो उसमें किस तरीके से वो पफ करता है बंद चालू बंद चालू होता है तो जैसे एक एयर बैग है पूरी हवा निकाल दी पूरी हवा भर दी तो उस तरीके से उसमें आवाज़ें आ रही थी और उसका हार्ट जो है वो ऐसे बीट करता जैसे कोई हथौड़ा मारा इतनी जोर जोर से उसको सुनाई दे रहा था ऑल दिसन विल बी द डेथ ऑफ मी ही सेट टू हिमसेल्फ अब उसे लगा ये जो मैं इतना स्ट्रेन ले रहा हूँ स्ट्रेन का मतलब क्या होता है इतने एफर्ट्स ले रहा हूँ इतना पेन ले रहा हूँ इससे तो मेरी मौत हो जाएगी पाहम फियर डेथ बट ही फियर्ड द विजेस लिटिक्यूल मोर जो है अब उसको अपने मरने की चिंता होने लगे क्योंकि उसकी जो बॉडी जिस तरीके से रियक्ट करी थी उसे समझ में आ रहा था कि उसने एग्जोशन की हर लेवल जो है उसने पार कर लिया है लेकिन अब क्या था उसको मरने से भी ज्यादा टेंशन हो रही थी कि जो विलेजेस हैं वहां के वो उसको रिडिक्यूल करेंगे मतलब वो उसका मजाक उड़ाएंगे वेन ही वॉज क्लोज इनफ टू हेयर द बशकी चीयरिंग ही समंड लास्ट आउंस ऑफ स्ट्रेंथ एंड कैप्टनिंग तो जब वो वहां तक पहुँचा तो वहाँ से क्या था जितने भी विलेजर्स थे वो लोग उसे चेयर कर रहे थे कि अरे वाह अरे वाह चलो आ जाओ आ जाओ तो उसको जब उसने वो सब सुना तो ही समंड सम मतलब उसने इकट्ठा किया अपनी अंदर की जितनी उसमें हिम्मत बची थी उसने लास्ट आउंस का मतलब क्या होता है लास्ट आउंस मतलब लास्ट उसके अंदर जितनी स्ट्रेंथ है वो सब उसने आउंस एक तरीके से एक यूनिट है वेट का तो जिस लास्ट ग्राम जो होता है ना वैसा उसने अपने अंदर की पूरी ताकत को इकट्ठा किया और वो भागता जा रहा था As he finally reached the hill, जैसे ही वो वहां पे हिल पे पहुंच गया everything suddenly became dark. The sun had set. तो जैसे ही वो हिल पे पहुंचा तो अचानक से सब जो है डार्क हो गया था और जो सूरज है वो डूब चुका था पाहुम ग्रोंड अब पाहुम जो था बहुत पेन में उसने मोन किया कि अरे ये क्या हो गया मेरे साथ ही वॉन्टेड टू स्टॉप ही बट हर्ड द बशकीस स्टिल चेयरिंग हिम ऑन तो वो अब रुक जाना चाहता तो उसे लगा अब तो मैं हार चुका हूँ लेकिन उसने सुना कि बशकीस जो थे वो अभी भी चेयर कर रहे थे उसको ही रियलाइज दैट फ्रॉम वेयर ही वॉज जहा वो एकदम बॉटम ऑफ द हिल पे है वहां पे तो सन डूब चुका है बट नॉट फॉर दोन टॉप लेकिन जो लोग एकदम टॉप पे है उनके लिए अभी तक सन नहीं डूबा है पाहुम टूक अल एंड रिल उसने उसको समझ में आया कि वो तो नीचे है तो उसको तो सूरज डूबा हुआ दिख रहा है लेकिन जो लोग माउंटेन के ऊपर है उनके लिए अभी भी सूरज डूबा नहीं है तो वो उसने अपनी पूरी जो एनर्जी थी उसको एक बार और इकट्ठा किया एंड ही जैन ऑफ द हिल रीचिंग द टॉप ही सो द एल्डर्स सिटिंग बाय द हेट जैसे ही वो ऊपर पहुंचा तो उसने देखा कि वो जो एल्डर था जो लीडर था वहाँ के वो हैट के बाजू में बैठा हुआ है विथ अ डेविलिश स्माइल ऑन हज फेस और उसके चेहरे पे एक डेविल जैसी स्माइल है पाहम्स लेग्स गेव वे एंड ही फेल फॉरवर्ड ग्रेस्पिंग द कैप तो वो बस चल रहा था उसके बाद फाइनली उसके जो लेग्स थे उन्होंने अपनी पूरी हिम्मत हार गए वो वो एंड आगे जो है कैप को पकड़ते हुए कैप वो पकड़ते हुए वहीं पे बेहोश हो गया ओह वेल डन एल्डर दैट्स वाह क्या बात है तुमने तो अपने लिए काफी सारा लैंड जो है वो अर्न कर लिया है वो नीचे था कि वो उसको खड़े होने में मदद कर सके बट पाहुम लेकिन पाहुम जो था वो मर चुका था दशकीर पिकाहम स्पीड एंड बीड हिम सिक्स फ्राम हेड टू हील वहीं पे जहाँ पे वो मतलब मर गया था वहीं पे उन्होंने उसके लिए एक कब्र खो दी वहां पे उन्होंने उसी का जो पाहम का जो स्पेट था जिससे वो गड्ढे खोदते हुए जा रहा था उसी के स्पेड से उन्होंने वहां पे कब्र खोदी डग ग्रेव ग्रेव मतलब कब्र एंड बरीड हिम और बेरीड मतलब उसको वहां दफना दिया सिक्स फीट फ्रॉम हेड टू हील और उसको कितना कितना लैंड लगा उसको छ फीट हेड से लेके हील तक फीट की कब्र खी उसके लिए दैट वॉज ऑल द लैंड ही नीडेड द बश्र ऑब्जर्व ग्रेवली सो उन्होंने सीरियसली क्या बोला इतनी ही जमीन चाहिए थी उसको अब्लस्ट फ्रॉम हाउ मच लैंड डज अ मैन नीड एंड दैट इज द एंड व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द स्टोरी एंड आई ऑल्सो टोल्ड यू अ सरप्राइज सरप्राइज नहीं बेसिकली क्योंकि आपने फुल स्टोरी नहीं पढ़ी है इसमें जो जो है 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 वो वो क्या होता है? वो बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो जाता है प्लस उसको लगता है मेरे पास इतना लैंड है कि अब तो डेविल भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता डेविल जो होता है वो उसकी ये बात सुन लेता है और ये जो लीडर है वो और कोई नहीं है वो डेविल था जिसने डेवलप स्माइल दी थी कि उसको पता था जब उसने बोला था कि यू नो पाहुम ने कहा था कि मतलब मुझे जितना चाहिए मैं उतना ले सकता हूँ उसने बोला हाँ और वो एक नोइंगली स्माइल दी उसने क्योंकि उसे पता था उसकी जो ग्रीड है वो उसे मार डालेगी उसे पता था उसकी जो ग्रीड है वो खुद उसको ख़त्म कर देगी ना दिस स्टोरी वॉट डज इट टेल यू इट टेल्स यू दैट वी आर सपोज टू हैव अ लॉट ऑफ डिज़ायर्स हमें एम्बिशियस होना चाहिए हमें लाइफ में बहुत कुछ हासिल करना है लेकिन हमको ग्रीड नहीं चाहिए लालच नहीं चाहिए बिकॉज ग्रीड जो है वो कभी भी पॉजिटिवली एंड नहीं हो सकती आई होप यू इंजॉय द चैप्टर एज मच एज आई डिड एंड यू अंडरस्टड इट क्वाइट वेल नाउ वी आर गोइंग टू सी द समरी ऑफ दिस चैप्टर सो दैट आपको जो है अगर कोई भी क्वेश्चन आंसर आया जो कि मे बी बुक के पीछे के क्वेश्चन आंसर से मैच uh, नहीं करे या आपको इसके बारे में कुछ डिफरेंट टाइप के जो है कॉन्टेक्स्ट बेस दिया तो आप इससे बहुत ही उन क्वेश्चंस को आंसर कर पाओगे सो लेट्स सी द समरी How much land does a man need by Leo Tolstoy is a short story about the corrupting power of greed. ये किसके बारे में है कि greed आपको किस तरीके से corrupt कर देता है उसके बारे में है.

जाते हैं कि ठीक है तुम एक दिन में हजार दे के, जितना लैंड चाहिए वो ले सकते हो। They have a condition. उनकी एक कंडीशन होती है पाहुम कैन द लैंड दैट ही कुड वर्क इन वन डे फॉर थाउजेंड रोबल्स बट द डे दूसरे तो क्या कंडीशन रहती है कि तुम्हें जितना लैंड चाहिए तुम उतना ले लो लेकिन जो स्टार्टिंग पॉइंट है दिन खत्म होने से पहले तुम्हें वापस वहां पहुंचना पड़ेगा पाहुम अग्रीस ही बिगिन द नेक्स्ट मॉर्निंग विद द बशकीज वॉचिंग पाहुम जो है ये बात मान लेता है और वो अपना जो ट्रेवलिंग है वो स्टार्ट करता है जैसे ही दिन शुरू होता है बशकी सारे देख रहे होते हैं At first it seems that he will be able to make it. स्टार्टिंग में लगता है कि हाँ ये तो है बहुत सारा लैंड कैप्चर कर पाएगा बट as the day wore on लेकिन जैसे-जैसे दिन बढ़ता है, धूप बढ़ने लग जाती है, he becomes less and less sure. अब उसको जो है डाउट्स आने लगते हैं कि वो वापस पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा. Finally the day is drawing to a close and Pahom knows he will not make it back. फाइनली दिन जो है वो ख़त्म होने वाला है और पाहुम को पता है कि शायद वो वापस नहीं जा पाएगा दो एग्जॉस्टेड ही बिगिनस टू रन फियरिंग द लॉस ऑफ हिज मनी लैंड एंड डिग्निटी वह बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका है लेकिन फिर भी वो अपनी पूरी जो जितनी भी उसके अंदर ताकत है उसको कलमिनेट uh, करता है और उसमें वापस वो भागने लग जाता है बिकॉज़ ही इज़ स्केर्ड टू लूज़ हिज़ मनी टू लूज हिज़ रेपूटेशन टू लूज़ द लैंड

हिज सर्वेंट बरीज हिम नथिंग डैट इन दौनली लैंड पा हम नीडेड वॉज सिक्स फीट फ्रॉम हेड टू फुट फॉर हिज ग्रेव सो अब यहाँ पर क्या बोलते हैं कि जो बश्र ही एक कोई बश्र होता है वो उसको वहाँ पर बेरी कर देता है दफना देता है एंड फाइनली वट वी रियलाइज उसको कितना लैंड चाहिए था सिर्फ सिक्स फीट विच मीन्स वंस यू आर डेड यू कैन नॉट कैरी एनी थिंग विथ यू एंड यू आपने कितना भी पैसा कमा लिया कितने भी कितनी भी इलीगल एक्टिविटीज़ कर ली खूब पैसा कमा लिया किसी को आपने हर्ट किया या जो भी किया वॉट एवर यू हैव अर्नड द मटीरियलिस्टिक थिंग्स यू कैन नेवर कैरी विद योर सेल्फ द ओनली थिंग जो आप अपने साथ कैरी कर सकते हो वंस यूर डेड इज़ अ गुड नेम एंड वो गुड नेम कहाँ से आता है वैन यू डू गुड डीड जिससे लोग जो हैं वो आपको अप्रिशिएट करते हैं सो दिस वॉज द समरी I hope you understood it well. Thank you so much for being with me. अगर आपको कोई भी डाउट होते हैं देन यू आर सपोज टू आस्क मी एंड ऑल्सो रिमेंबर दैट यू आर सपोज टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाइक करो सो दैट यू नो आई फील गुड अबाउट इट कि येस माई स्टूडेंट्स हैव अंडरस्टुड इट सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आता है वो आप इजीली जो है आपको मिल जाए आपको समझ में आ जाए एंड ऑल्सो शेयर दिस सो दैट आपके कोलीग्स जो हैं सॉरी आपके जो क्लासमेट्स हैं उनको भी काफ़ी सारा बेनिफिट मिले क्लियर एंड ऑल्सो प्लीज़ रिमेंबर दैट यू कैन विजिट आवर वेबसाइट विच इज मैगनेट ग्रींस डॉट कॉम जहाँ पे आपको यही सारी जो वीडियोज़ uh, हैं वो बहुत ईजीली अवेलेबल हो जाएगा हाउ यू हैव टू गो देर यू हैव टू क्लिक ऑन द कोर्सेस जिसमें आपके पास क्लास वन से लेके क्लास ट्वेल्व के सारे कोर्सेस हैं यू कैन क्लिक ऑन क्लास सेवन वंस यू क्लिक आपके पास सारे सब्जेक्ट अपेयर हो जाएंगे जितने भी सब्जेक्ट्स अभी तक उसमें पढ़ाए गए हैं हिस्ट्री जोग्राफी सिविक्स हिंदी इंग्लिश साइंस मैथ्स यू कैन गो इफ यू सपोज इफ़ यू वॉन्ट टू वॉच माई वीडियो यू विल गो एंड क्लिक ऑन क्लास सेवन इंग्लिश एंड देन आपके पास टॉपिक वाइज सारे आ जाएंगे जितने भी यूनिट्स कवर हुई हैं सारी टॉपिक्स आ जाएंगी एंड देन यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द टॉपिक सपोज आपको क्वेश्चन आंसर देखना है एक्सप्लेनेशन देखना है उस वीडियो पर आप क्लिक करोगे एंड द वीडियो विल स्टार्ट एंड दिस इज हाउ मैगनेट ब्रिन्स स्ट्राइंग द लेवल बेस्ट कि हम आपको बेस्ट ऑफ द एजुकेशन प्रोवाइड करें दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट एंड इन द बेस्ट पॉसिबल वे ताकि आपके लिए वो कन्वीनियंट भी रहे अगर आपको कहीं भी कुछ भी डाउट्स हैं या अगर आपके पास कोई इंटरेस्टिंग सजेशन uh, हैं देन यू कैन ऑलवेज पिंग मी देयर इन द कॉमेंट बॉक्स ट्रस्ट मी आई डो चेक ऑल द कॉमेंट्स टेक केयर ऑफ योर सेल्फ बाई बाय